नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, हर साल हम फरवरी के महीने में संकल्प दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 22 फरवरी 1994 को लोकसभा और राज्यसभा में ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि POK इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया और उसको वापस लेना है। गिलगित हो, बाल्टिस्तान हो, मुजफ्फराबाद हो, इनको वापस लेना है। अब सवाल ये होता है कि ये हमसे गया क्यों? ये बड़ा पुराना इतिहास है, गलतियाँ भी हुई होंगी, लेकिन क्या इस वक्त भारत सक्षम है? क्योंकि जो मौजूदा सरकार है, 303 सीटें पब्लिक ने उनको दी हैं, एयर स्ट्राइक भी किया है, सर्जिकल स्ट्राइक भी किया गया है। क्या वाकई में भारत इस वक्त इस सक्षम है कि गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद या POK को वापस ले सके? इस पर चर्चा करेंगे। साहिल शर्मा कांग्रेस से हैं। साहिल जी, आपका स्वागत है। MK जोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक रखते हैं और अभिजीत जसरोटिया जो है भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, स्पोक्स पर्सन है। अभिजीत जी, क्या आपको लगता है कि इस वक्त भारत सक्षम है? धन्यवाद विनोद जी। बिल्कुल सही बात है कि इसी समय वो पोजीशन है भारत की, भारत बिल्कुल सक्षम है, क्योंकि जो भी पुरानी गलतियां आज तक पुरानी पार्टियां करती रही और 50-60 साल से हमेशा ही जिस तरह से भारत को उनकी एक छवि जो है, खासकर इस मामलों में जब भी कोई दुश्मन देश हमें आँख दिखाता था, तो जिस तरह से आज तक रहा है वो सब चीज़ें 2014 के बाद वो मंजर बदल गया है। जिस तरह से हमारी आज भारतीय की सेना के हौसले बुलंद हैं, आज उनको पूरी छूट है अगर कोई भी भारत की मातृभूमि, हमारी धरती की तरफ अगर अपनी निगाह डालता है तो उसको जवाब देने में वो सक्षम है। और ये सब उनके जो हौसले बुलंद है, यहाँ से यही लगता है कि अगर ऐसा कोई भी मौका आएगा तो आने वाले वक्त में जो ये POJK का इलाका है और बाकी गिलगित बल्तिस्तान वगैरह सारे जो इलाके हैं जो कि कांग्रेस की गलतियों के कारण हमारे हाथों से चले गए, रादर कांग्रेस ने प्लेट में परोसकर कुछ चीन को तो कुछ बाकियों को दे दिया, इन सबको वापस लेने में हम लोग सक्षम भी हैं। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि भारत का जो झंडा है ये सब इन जगहों पर। अभिजीत जी, गलवान वैली में जो हुआ उसका आंकलन आप कैसे करते हैं? आप कहते हैं कि पड़ोसी मुल्क को आंख दिखाएगा, उसका आंकलन कैसे करते हैं? मुझे लगता है गलवान में जिस तरह से हमारी साहसी वीरों ने जो चीन, जिसकी आर्मी भी हमसे बड़ी है और मुझे लगता है हमसे बड़ा मुल्क है, उसको जिस तरह से रोका और जिस तरह से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, हमारे एक एक जवान ने उनके कितने जवानों के साथ मुकाबला किया, वो सबके सामने है, यहाँ से पता लगता है। और उसी के बाद चीन की आंखें खुली कि ये भारत अब वो कांग्रेस के समय का भारत नहीं रहा, या मोदी जी का भारत है, ये भारत है जो आँख में आँख डाल के बात करना जानता है और अपना बदला भी भली भांति लेना जानता है। उसके बाद अगर आप देखें तो जिस तरह की चीन आज हरकतें कर रहा है ये उसके बाद ही, वरना इससे पहले तो चीन ने फॉर ग्रांटेड लिया था जब अक्साई चीन, डोरू वैली, चाबी वैली, ये सारे के सारे एरिया उस समय कांग्रेस वालों ने परोस कर थाली में चीन को दे दिए थे, तो वो चीन उसी नींद में सोया हुआ था, उनकी नींद अब गलवान में आकर खुली है। तभी आप देखें तो गलवान में और बाकी जो चीन के साथ हमारी बाउंड्रीज लगती हैं वहाँ पर वो अपनी आर्मी प्लेस कर रहा है और बाकी सब षड्यंत्र रचा रहा है, क्योंकि उनको पता चल गया है ये भारत अब वो वाला भारत नहीं है, ये किसी समय भी हमारे को जो है अपना इलाके हमसे वापस ले सकता है। क्योंकि गलतियाँ तो रही, अगर आप इतिहास में चले जाएँ तो आपको याद होगा जब नया जब हमारे भारत देश को आज़ादी मिली थी और उसके बाद जब किसी मेंबर पार्लियामेंट ने नेहरू जी को कहा था कि चीन के साथ अपना मसला सॉल्व करें, वहाँ पर आप देखिए जो लाहौल, स्पीति और वारा के ऊपर के इलाके हैं, इसके ऊपर चीन अपनी गंदी नज़र रखे हुए बैठे हो, किसी समय भी चीन यहाँ से एरिया हमसे ले सकता है। तो नेहरू जी की आप देखिए उन्होंने क्या कहा था उस समय, तो अपने पार्लियामेंट में नेहरू जी बोलते हैं वहाँ उगता ही क्या है, वहाँ होता ही क्या है, बंजर सा इलाका है, तो अगर लेता है तो लेने, तो ये एक प्रधानमंत्री के लफ्ज है। यहाँ से पता लगता है कि इनके उस प्रधानमंत्री को भारत की मातृभूमि से या भारत से कितना प्रेम था, तो आप समझ सकते हैं। और उसी समय किसी ने कटाक्ष करते हुए कहा नेहरू जी आपके सिर पर भी तो एक बाल नहीं उगता, तो क्या करे इसका फिर हम जी। तो खैर वो कहने वाले बड़े बुद्धिजीवी रहे होंगे जिन्होंने ये जवाब उनको दिया होगा उस समय जी। तो लेकिन थाली में परोस कर चीन को काफी सारा हिस्सा आपने दिया, ये अभिजीत जी का आरोप है। मैं इनके आरोप पे तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपने बात की कि आज संकल्प दिवस की, कि आज एक संकल्प दिवस है, तो वो संकल्प भी कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार में उस समय ये संकल्प लिया गया था कि जो इलीगल एरिया, जो इलीगल ऑक्यूपेशन पाकिस्तान की जो है, वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर
कि जिन क्षेत्रों को उसने इलीगली ऑक्यूपाइड किया हुआ है, ये भारत सरकार का रेजोल्यूशन है कि भारत सरकार उन एरियाज को वापस लेगी और किसी भी कीमत पे, और ये भारत सरकार के ऊपर है, आज की भी जो सरकार है ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो किस तरह की कार्रवाई करती है, किस तरह की। मैं इससे अलग एक बात ये करना चाहता हूं कि अगर आप पूरे भारत को देखें, भारत के स्वरूप को देखें, तो 1947 के बाद कहा जाता है, जिस तरह से हमारे बड़े भाई ने भी कहा कि कुछ एरियाज को दे दिया गया, थाली में परोसकर दे दिया गया, किसी ने थाली में परोसकर नहीं दिया। आप देखें जब हमारा देश आजाद हुआ, आज जो भारत पूरी जो हमारी स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, उसमें कई क्षेत्र ऐसे थे जो उस समय के भारत के साथ नहीं थे, चाहे उसमें आपका हैदराबाद हो, चाहे उसमें आपका जूनागढ़ हो, चाहे उसमें आपका जम्मू कश्मीर हो, चाहे उसमें आपका सिक्किम हो, चाहे उसमें आपका मणिपुर हो, चाहे उसमें आपका त्रिपुरा हो, ये सब वो क्षेत्र थे जो क्षेत्र 1947 के बाद पंडित नेहरू की ही सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार में ये जो क्षेत्र थे ये भारत के साथ जुड़े और इनका भारत के साथ विलय हुआ। उस समय की परिस्थितियां, उस समय क्या सिचुएशन थी, उस समय के हिसाब से लोगों ने क्या किया, ये मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ उस संकल्प के साथ भारत के 125 करोड़ लोग उस संकल्प के साथ खड़े हैं, जो संकल्प कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की, जिसमें पूरे सदन का समर्थन था, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी उस समय अपोजिशन में, हम ये नहीं कहते कि वो हमारा संकल्प था, वो 125 करोड़ भारतीयों के रिप्रेजेंटेटिव्स का संकल्प था कि जो पीओके है उस पीओके को हमने वापस लेना। आप देखिए जब देश आजाद हुआ, देश की आजाद की बुनियाद क्या थी, क्या कहा गया था धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ, मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज जो है वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, हिंदू डोमिनेटेड एरियाज जो होंगे जहां पे हिंदुओं की आबादी ज्यादा है वो हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, इसी तरह से मोहम्मद अली जिन्ना हो या बाकी लोग हो, उनकी नजर थी पाकिस्तान के ऊपर। और मैं सलाम पेश करना चाहता हूं उस समय की लीडरशिप को, चाहे वो पंडित नेहरू हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे वो मोहम्मद अली जिन्ना हो, बेशक हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किन्हीं मुद्दों के ऊपर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पंडित नेहरू के साथ जो दोस्ती थी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की, और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने विनोद जी 1944 में कहा, 1944 में ही कह दिया था कि ये जो मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट जम्मू कश्मीर है ये कभी पाकिस्तान के साथ नहीं जाएगी, ये पंडित नेहरू के भारत के साथ, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के भारत के साथ, ये सरदार पटेल के भारत के साथ जाएगी। और उस वादे को उन्होंने पूरा किया और जम्मू कश्मीर जो था मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट होने के बावजूद भी उन्होंने पंडित नेहरू के भारत को जोड़ा। और इसके साथ ही मैं ये जरूर कहूंगा, लास्ट में फिर इस बात को जोड़ूंगा कि पूरी तरह जो संकल्प, जो भारत सरकार का संकल्प है, वो किसी पार्टी का संकल्प नहीं है, उस संकल्प के साथ पूरा देश। अब संकल्प दिवस की बात करते हैं तो आपको पीवी नरसिम्हा राव, स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव याद आते हैं, लेकिन अंत में जो कांग्रेस ने उनके साथ किया शायद वो उनको याद नहीं आता। मैं इसी बात पे अभी आने वाला था, आपने पहले ही मेरी बात कह दी। इनके लिए बेसिकली अगर कोई भी नॉन गांधी परिवार का अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाता था तो उसे ये प्रधानमंत्री समझते ही नहीं थे। यहां से पता लग गया नरसिम्हा राव जी की हम भी बड़ी इज्जत करते हैं, और इतने सालों से तो किसी को संकल्प की याद नहीं आई, केवल नरसिम्हा राव जी को ही क्यों याद आई। और जिन भी इलाकों का इन्होंने नाम लिया, जूनागढ़ का नाम लिया, त्रिपुरा का नाम लिया, सब एरियाज के नाम, इनमें से कौन सा एरिया चीन के पास था या कौन सा पाकिस्तान के पास था, ये सिक्किम था, सिक्किम था, छोड़े किसी के पास, अच्छा सुन लीजिए ना पूरी बात, अरे सुन लीजिए ना पहले पूरी बात, मतलब सुन लीजिए पूरी बात, आपने कोई एहसान नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सुन लीजिए पूरी बात, आप ये बताएं कि जिनकी आप जब आप बीच में बोलेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, आराम से सुन, आप लिख के रखिए ना, आपके हाथ में कलम भी दी हुई है, सुन लीजिए ना, आप सवाल का जवाब, मेरा सवाल खत्म होगा तो दो मिनट पहले दे दोगे बीच में, ऐसे क्या मजा आएगा, आप हमेशा पता क्या होता है पैनिकी हो जाते हो, अरे आराम से जवाब दीजिए, पूरा मौका देंगे आपको जवाब देने का, आपको अपने नेताओं की करतूतों का जवाब देना ही पड़ेगा, पूरा मौका मिलेगा। तो उन्हीं नरसिम्हा राव जी ने जिन्होंने इतना अच्छा कार्य किया, नरसिम्हा राव जी की आखिर में कहते हैं उनकी बेचारी डेड बॉडी के साथ भी इन लोगों ने क्या सियासत की, कि जहां पर उनको उनका आखिरी समय क्या कितनी बुरी तरह से बीता और क्या किया इन लोगों ने सबको पता है, तो कितने नरसिम्हा राव जी के ये सगे थे वो हम भली भांति जानते हैं। ऐसे ही जो कोई भी नॉन गांधी परिवार का अगर प्रधानमंत्री रहा हो तो उसके साथ ये लोग ऐसा ही करते थे, कुछ ऐसा ही लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ हुआ, जिस षड्यंत्र के चलते उनके प्राणों की प्राण छीन लिए गए। और सबसे बड़ी देखिए मैं ऐसी कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने खोल देना चाहता हूं, जिस खानसमा ने, जिस कुक ने उनको जहर दिया था, वो कुक बाद में कहां पाया गया, पाकिस्तान में, और इनकी सरकार उसकी आखिरी दम तक पाकिस्तान में बैठकर उसको पेंशन देती रही। ऐसे लोग बात करेंगे किसी, इनको केवल और केवल गांधी परिवार की पूजा करने के अलावा इनको कुछ नजर नहीं आता कि इस देश में कोई और भी लीडर हो सकता है। बड़े बड़े महान लोग कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा वो गांधी परिवार से नहीं थे। जो गांधी परिवार से नहीं होगा उसे कांग्रेस में रहने की कोई अनुमति नहीं। ये किस जमहूरियत की बात करेंगे या किस तरह से बात करेंगे देश की, इनके लिए देश गांधी है, गांधी परिवार है और गांधी परिवार ही देश है। तो ऐसे लोग जब देश की बात करते हैं तो मुझे हंसी आती है सोचकर कि ये किस तरह की बातें आपके सामने करते हैं। एक और बात,
क्योंकि अब बात चली है तो पूरी बात बता देता हूं। जिस पीओजे की आज हम बात करते हैं वो भी इन्हीं के इसी परिवार की वजह से ही चला गया हिंदुस्तान के हाथ से। जब 47 में भारत की फौजों ने खदेड़ा पाकिस्तान को, तो कहां तक खदेड़ दिया था सब जानते हैं। और क्या किया, यही नेहरू जी जिन्हें प्लेट में प्रवेश कर देने की हर एक चीज आदत थी, वही इलाका, भारत का जीता हुआ इलाका वापस दे लिया गया। सोचे ना, फिर क्यों देंगे जिन प्रधानमंत्रियों के लिए अपने देश की भूमि बंजर हो, किसी काम की नहीं हो, जो ऐसी सोच रखने वाले प्रधानमंत्री, ऐसी सोच रखने वाली पार्टी, किस देशभक्ति की बात करेंगे? अपने मातृभूमि की एक इंच, भले वो बंजर हो, भले वो कुछ हो, आपकी माताएं, अगर माता बेचारी कल अपाहिज हो जाए, या माता अगर कल कुछ हो तो अपनी माँ को क्या घर से बाहर निकाल दोगे आप? ये दो तो ये कांग्रेस रखते हैं, हमें पता है ये कहां की माता को मानते हैं और कौन सी इटली की माता को मानते हैं। इनके लिए भारत माता की क्या कदर है वो पूरी दुनिया जानती है। जोगी जी, आपसे जानना चाहूंगा कि ये 1994 के बाद फारूक अब्दुल्ला डॉक्टर साहब की स्टेटमेंट आई थी कि LOC को IB में तब्दील कर दिया जाना चाहिए, यानी लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होता है और आप उसके विपरीत जाते हैं, यानी कहते हैं कि छोड़ दीजिए, जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है उधर ही रहने दीजिए। देखो जी, डॉक्टर साहब ने, वो तो हमारे बहुत ही कदावर लीडर है और सुलझे हुए हैं, सीनियर हैं जी, तो जो चीज़ अब पीछे हो गई है या हो चुकी है, लेकिन समय और टाइम जो है वो कभी भी आ सकता है कि वाकई POJ के जो हमारा जो पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर जो है वो एक हमारे हिंदुस्तान का ही और कश्मीर का ही एक हिस्सा था, जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था, बट अब यहाँ पर जो डिबेट अभी हुई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार में, चाहे वो नेहरू साहब ने, कुछ गलतियाँ हुई है, हम ये मानते हैं, हाँ मानते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कुछ कमियाँ कुछ खामियाँ जो है, जो काम करता है तो कभी ना कभी कोई ना कोई गलतियाँ हो जाती है, बट ऐसा नहीं है कि बाकी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की और आपने कहा, लेकिन एक बात है वो भी हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि उस वक्त अगर देखा जाए कि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की इतनी बड़ा विजन और इतनी बड़ी सोच, जो हिंदुस्तान के साथ ही उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, उनका साथ दिया उस वक्त, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ कभी भी नहीं जा सकता हूं, और उसकी कुर्बानी को हम आज भी याद करते हैं, वो इतिहास बताते हैं। साहिल जी ने ये सही बोला जी। तो बट ये नहीं है कि आप डॉक्टर साहब ने जो चीज कही अभी, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो जिस हालात से, जिस पाकिस्तान की टेररिस्ट की वजह से, जो हम इतनी इस वक्त जो 32 साल से जो, तो ये भी कह देते हैं कि चाइना को इंटरवेन करना चाहिए, जो 5 अगस्त 2019 को हुआ है। नहीं, आप डॉक्टर साहब ने जो बात कही कि मुझे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा होगा, लेकिन अभी जो पीछे कहा होगा, बिल्कुल सही कहा होगा, क्यों नहीं कहा होगा, क्योंकि उनके उनके हर उनका हर एक सवाल और जवाब वो बिल्कुल सोच समझ के, क्योंकि अभी तो हम मतलब हमारी पार्टी के लीडरशिप ने अगर इस तरीके की बात की, लेकिन जिस तरीके से चाइना अभी 5-7-10-15 किलोमीटर अभी पीछे अब सुनने में आया है, लेकिन मेरे प्रवक्ता जो BJP के हैं, लेकिन ये इन्होंने अभी मुझे लगता है कि अभी कोई बात उस पर तो इन्होंने कोई चर्चा वगैरह नहीं की, और मुझे लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर साहब जी जो हो, या उस वक्त के राजनाथ जो हमारे जो उस वक्त के वो डिफेंस मिनिस्टर थे, लेकिन ये इन्होंने बिल्कुल कांग्रेस सरकार हो या अपोजिशन पार्टी के, चाहे वो स्टेट के लोग हो या सेंटर के लोग हैं या MPs हो, क्योंकि ऑन फ्लोर पार्लियामेंट में इनको कहा गया था कि आप कभी ना कभी उनका नाम तो लो कि जो 15-20 किलोमीटर हिंदुस्तान के अंदर आया, इसका जवाब दे तो आप लोगों की है, आप वो जवाब दी तो दीजिए, लेकिन उससे ये बच के रहे, लेकिन इन्होंने उसका कोई जवाब आज की डेट तक नहीं दिया। साहिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये चीज़ें बन रही हैं, वहाँ के लोगों पर यातनाएं दी जा रही हैं, चाहे मुजफ्फराबाद हो, गिलगित हो, बाल्टिस्तान हो, वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि भारत इंटरफेयर करे और उनके जो मानव अधिकारों का हनन हो रहा है उनसे उनको निजात दिलाया जाए। बिल्कुल विनोद जी, देखिए कहीं भी मानव अधिकारों का उल्लंघन हो तो उसमें तो बात होनी चाहिए। जो ये बड़ी बड़ी विश्व की संस्थाएं बनी हुई हैं, ये क्या देखती हैं? इनको ये चीजें देखनी चाहिए कि कहाँ ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रही है, कहाँ किन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस पर काम करना चाहिए। मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि कौन सा एरिया चाइना के साथ जुड़ा हुआ था।
पर पंडित नेहरू की बात की। देखिए पंडित नेहरू के बारे में व्हाट्सएप पे सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी आ रहा है उसके बारे में आप जो कुछ मर्जी बोलते रहिए। अभी चार दिन पुरानी घटना है, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, चार पांच दिन पुरानी घटना है कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री अपनी संसद में बोल रहे थे और उन्होंने विश्व के तीन नेताओं का नाम लिया जिसमें एक नाम पंडित नेहरू का नाम था। उन्होंने कहा अगर डेमोक्रेसी का मतलब समझना है, लोकतंत्र का असली अर्थ क्या है अगर समझना है तो वो पंडित नेहरू से हम सीख सकते हैं, पंडित नेहरू के बारे में सीख सकते हैं। तो हमें पंडित नेहरू के बारे में आप कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहिए उससे वो पूरा देश जानता है पंडित नेहरू जी क्या थे क्या नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बात को मैं पूरी कर 1962 के बाद 1962 में जब हमारी हार हुई हमने ये नहीं कहा हम उससे भागे नहीं। मैं बताना चाहता हूं विनोद जी कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जो उस समय के सबसे युवा सांसद थे और सबसे बड़े आलोचक थे हमारी सरकार के, पंडित नेहरू के सबसे बड़े आलोचक थे, उन्होंने मांग की उनकी पार्टी ने मांग की कि इस समय हमारी युद्ध चल रहा है और युद्ध के होते हुए हमने अपना सेशन कन्वीन किया और पंडित नेहरू ने संसद में खड़े होकर जो भी पूरे सर्कमस्टांसेस थे जो भी पूरी घटना थी वो पूरे देश के सामने रखी। हमने आज के प्रधानमंत्री की तरह यह नहीं कहा कि जब हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया गया गलवान में, हमने ये नहीं कहा कि कोई अंदर ना घुसा है ना कोई आया है। इस एक बयान ने पूरी दुनिया में हमारी फजीहत करा दी कि एक देश के 20 सैनिक शहीद हो जाते हैं और उस देश का प्रधानमंत्री कहता है ना कोई घुसा है ना कोई आया है, हम इस तरह की राजनीति नहीं करते। और दूसरा बात आपने की 1962 की हार के बाद हमने सीख ली, कांग्रेस की पार्टी ने सीख ली 1962 के बाद, हमारी नजर गई सिक्किम के ऊपर जो चाइना के साथ लगता क्षेत्र था, हमने कहा कि जिस तरह से जो गलतियां अगर हम भी मानते हैं कोई भी सही नहीं, हमसे कोई गलतियां हुई हमने उस पर काम करने की कोशिश की और हमने 1975 में 1962 से 1975 के बीच सिक्किम के अंदर सिक्किम को साथ लगाने का काम किया और 1975 में वहां पर जनमत संग्रह हुआ, वहां पर जनमत संग्रह करवा के हमने सिक्किम को अपने साथ मिला लिया। तो यह हमारी अचीवमेंट थी। और दूसरा जिन क्षेत्रों की मैंने बात की चाहे उसमें हैदराबाद हो जूनागढ़ हो कश्मीर हो गोवा हो त्रिपुर हो, क्या वो क्षेत्र भारत की टेरिटरी के साथ नहीं जुड़े, क्या भारत की जमीन और नहीं पड़ी? तो और दूसरा आप चाइना की बड़ी बात करते हैं, अभी मेरे बड़े भाई ने बड़ी एक वो कहानी सुना दी, वो खासन नाम की वो शास्त्री जी का कोई खाना बनाने वाला उसको पेंशन देते हैं, इसी तरह का ये पिछली बार क्या गए थे वो जनाब वो राजीव गांधी फाउंडेशन थी उसको तो वहां से बड़ा फंड आया। जनाब 18 जनवरी 2022 आप ही की सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA क्लियर कर दिया है जी, आप ही की सरकार ने, कोई फाइनेंशियल जो उनकी ट्रांजैक्शन है जो भी उनको बाहर से पैसा उसमें कोई गलती नहीं है। क्या बात करते हैं आप, जब भी आते हैं झूठ बोलते चले जाते हैं, देश की जनता डिसाइड करेगी कौन सही है कौन नहीं, सच बोलिए। आपका प्रेरणा है जेके मीडिया को पूरा जम्मू कश्मीर सुनता है, यहाँ बांट के हमको तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए। जिस तरह से मैं बीच में नहीं लगा मैं चाहूंगा कि ये शांत रहेंगे। देखिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि किस तरह से जो नेहरू जी के बात करते हैं कि नेहरू जी किस तरह से जमहूरियत का साथ देते तो किस तरह से करते, तो सबसे बड़ी हमारी स्टेट ने जो त्रासदी नेहरू जी की वजह से सही हुई है सानू, अब ये कहेंगे फिर भी इनको व्हाट्सएप का नजर आएगा, मैंने इनको बड़ी बड़ी कहा हुआ है कि आप विकिपीडिया पे भी यकीन रखें, गूगल करके यहां आया करें, नहीं तो मुझे बोलिए करें, मैं आपके लिए हमेशा रिपोर्टें लेकर आऊंगा क्योंकि इनको गूगल करने की कोई आदत नहीं है। वैसे मेरे छोटे भाई के तो उनको मैं मजाक में गुगलू बुगलू भी कह सकता हूं, तो गुगलू बुगलू जी आप गूगल कीजिए करें। अब आपको मैं गूगल की एक और खबर देता हूं आपको जो विकिपीडिया की है, 1951 की सबसे पहले असेंबली जो बनती है जम्मू कश्मीर की, जम्मू की पॉपुलेशन कितनी है, जम्मू की पॉपुलेशन है 20 लाख, कश्मीर की कितनी है 18 लाख, डेढ़ दर्जन ज्यादा सीटें आप कश्मीर में देते हो, नेहरू जी की सरकार कहां है सेंटर में जो कर रही है सब कुछ, ये जमहूरियत का आप लोगों ने इंजाम दिया। और जिस भारत की सेना के लिए आज आप पूछ रहे हैं गलवान में क्या नहीं, और क्योंकि आप क्या करते हैं भारत की सेना को कटघरे में लाकर खड़ा करते हैं, इन्हीं के नेता थे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अपने ही देश की आर्मी से पूछ रहे थे हमें क्या पता आपने किया नहीं किया, प्रूफ दो अपने देश की अपने भारत माता की सेना से पूछने वाले प्रूफ, अब बोले गूगल को गूगल करें जरा उसको अभी पूछे जरा किसने कहा था हमारे भारत की देश की आर्मी हमारे भारत देश की आर्मी के ऊपर शक करने वाले हमारी इंडियन एयरफोर्स के ऊपर इन्होंने शक किया कि इन्होंने इन्हीं के नेताओं ने कहा पूछ लीजिए जरा नहीं कहा कि वहां पर तो सिर्फ चंद पेड़ गिरे, अरे अपने ही अपनी एयरफोर्स के ऊपर शक करने वाली ये पार्टी आज हमसे पूछेगी हमने क्या किया। ए से लेकर जेड तक इनके स्कैम है कांग्रेस के, ए से लेकर जेड तक मैं इतने स्कैम इनके गिना सकता हूं। और ये क्यों इनको लोगों ने खदेड़ दिया 2014 में, क्यों ये 3 डिजिट से 2 डिजिट और आने वाले वक्त में 0 में चले जाएंगे, आर्यभट्ट को सलामी देंगे ये तो बताना शुरू करता हूं। ए से इनका आदर्श स्कैम से शुरू होकर बफोर, सी से CW स्कैम, आप पूछिए इनकी भी आपको क्लीन चिट मिल गई है, डी से दामाद जी का जो देवास अंतरिक्ष स्कैम है उसकी
उसकी भी आपको क्लीन चिट मिल गई है क्या? ई से जो आपका एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का आपने स्कैम किया उसका आपको मिल गया, एफ से फॉर्डर स्कैम आप लोगों ने किया था वो भी आपको मिल गया, जी से गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड स्कैम है, एच से हर्ष मेहता का स्टॉक मार्केट का स्कैम, आई से आईपीएल का स्कैम, जे से जूनियर टीचर रिक्रूटमेंट का स्कैम, के से केतन पराक्ष स्टॉक मार्केट का स्कैम, एल से एलआईसी हाउसिंग स्कैम, एम से माइनिंग स्कैम, एन से नॉन बैंकर फाइनेंशियल कंपनीज का स्कैम, ओ से ओरिएंटल बैंक का स्कैम, पी से पंजाब एससीईआरटी स्कैम, क्यू से क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेट। मैं जेड तक कंप्लीट करूंगा, थोड़ा आपको सुनना पड़ेगा, तो आप बोलिए, इनको बात कहूंगा मैं, इनको गूगल को गूगल करेगा। आर से रेलवे राशन कार्ड स्कैम, एस से सत्यम स्कैम, टी से टेलीकॉम 2G स्कैम जो सबको ज्यादातर लोगों को पता होगा, यू से यूटीआई स्कैम, वी से फॉक्सवैगन इक्विटी स्कैम, डब्ल्यू से डब्ल्यूबी टेलीकॉम स्कैम, और एक्स से एक्स रेटेड कांग्रेस स्कैम, और यू से यूएस टूली दमाजी। ये आपको पता होना चाहिए कि जेड से अभी तक आप जो सोते रहे वही आपकी जो नींद थी उससे आपको जगाने के लिए 2014 में मोदी जी यहां पर आए, और तभी आपको मुश्किल ये हो रही है क्योंकि आपके इतने सारे स्कैमों से लिप्त। आप क्या जाने, आपने अभी बात की एक्साइज चीन वगैरह का, आपको पता है कहां है? डूरू वैली आप जानते हैं, चाबी वैली आप जानते हैं, पूछ लीजिए किसके टाइम पर ये गई है चाइना को, किसने परोसी है। योगी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहती है कि जो पीओजेके उसको वापस लिया जाए? देखो, हमारा ये मानना है, ये कहना है कि जो हमारा है वो जम्मू कश्मीर अब बहुत हो गया। मुझे नहीं लगता है कि जो हमारे पास इस वक्त है हमें यही संभालना चाहिए। और अब पीओके की जो आप बात करते हैं, और मुझे लगता है कि अगर बातचीत के साथ अगर कोई ऐसा समीकरण या कोई ऐसी बात बनती है, पर वो कौन नहीं चाहता है जी। वो कौन नहीं चाहता है, मुझे लगता है कि, लेकिन ये करके तो दिखाए, बताए हमें जी। लेकिन जुमलाबाजी और कहने से तो, इनके कहने से तो वो आएगा तो नहीं जी। लेकिन हमारा कहना है, हमारे कायद भी यही कहते हैं, जो उनको दिया है, जो उनके पास है वो वहां छोड़ दीजिए, जो यहाँ है उसको संभालिए और आगे चलिए। लेकिन आपने यहाँ पे योगी जी को जवाब दो, योगी जी बताता हूँ आपको क्यों पीओजेके स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए क्यों जरूरी है। स्ट्रेटेजिकली आपको ये समझना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस समझे। मुझे भी चाइना ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, और सीपीईसी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके थ्रू ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट तो क्या है, मिली भगत है किस तरह से हिंदुस्तान को डैमेज पहुंचाने का वो ख्याल देख रहे हैं, इसीलिए वो सबके साथ। वो इलाका तो हमारा है, जो इलाका हमारा है वहां से चाइना कैसे रोड निकाल सकता है, उसमें चाइना कैसे कुछ कर सकता है। ये स्ट्रेटेजिकली पॉइंट सबसे जरूरी है, समझने की जरूरत है। हम जब इसको लेना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ सबके सब खड़े हो। ये कुछ ऐसा ही मंजर था जब नरसिम्हा राव जी थे, और ऐसा ही पाकिस्तान के साथ जब हमारे लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो तब भी पाकिस्तान के साथ इसी तरह की बात चली थी। तो खड़े होकर ऑन द फ्लोर उन्होंने कहा था कि जो आप करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ कीजिए, हम अपोजिशन आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आज देखिए कांग्रेस का दुर्भाग्य, इनके सलमान खुर्शीद जैसे लोग गुहार लगाते हैं पाकिस्तान के आगे कि हमें बचा लीजिए, तभी तो इनके मुंह से भी इतने अच्छे शब्द निकल रहे हैं पाकिस्तान के लिए। अपने ही देश में अगर आप अपने एक दुश्मन मुल्क, मैं कहूंगा पड़ोसी तो है तो दुश्मन भी है हमारा, उससे कांग्रेस के नेता जब गुहार लगाते हैं, उनसे भीख मांगते हैं कि हमें बचा लो, इनको यहां पर पता नहीं ऐसा क्या हो रहा, पाकिस्तान इनको बचाएगा? इतिहास भूल गए हैं ये, पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या क्या किया हुआ है। आपकी बात के साथ बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने ही जो बात कही थी कि हम अपने दोस्तों को बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसियों को हम नहीं बदल सकते हैं। बिल्कुल सही बात, क्योंकि हम चाहते हैं कि बातचीत का रास्ता जो है जब तक वो खुलेगा नहीं, आप ओपनली आप उनसे जब तक बात नहीं करेंगे दोनों, चाहे वो चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान, प्यार से मुझे लगता है हर एक सीजन में आ सकती है। योगी जी ऐसा है, कुछ होते हैं लातों के भूत जो बातों से नहीं मानते, पाकिस्तान वही एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण हमारा पड़ोसी है। लेकिन ऐसे पड़ोसी को आपको हमेशा दिखाना पड़ेगा, उनको आंखें दिखाना पड़ेगी, तभी ये सुधर कर रहेगा, वरना ये वो पड़ोसी है जो हमेशा हमारे को घाव। उन्होंने क्या स्लोगन क्या है कि कट इंडिया ब्लीड इंडिया टू हाउ मेनी कट्स, तो ये तो उनकी स्ट्रेटेजी। ऐसे लोगों से क्या लेंगे? देखिए मैं जवाब देना चाहूंगा अपने बड़े भाई साहब का जी। बड़े लंबे लंबे स्कैम गिना दिए, ए टू जेड गिना दिया, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। आपने बंगारू लक्ष्मण बड़े भाई एग्जांपल दिया आपने। नहीं, मैं बता रहा हूं ना आपको, उनको स्कैम्स की बात नहीं करनी चाहिए। इन्होंने 2G की बात की, बोफोर्स की बात की, क्या भूल गए? 2G के ऊपर पूरे देश ने देखा कि कोर्ट ने उसके ऊपर क्या अपनी रूलिंग दी और क्या उनकी जजमेंट थी। उन्होंने कहा, जज साहब ने कहा, मैं बैठ के इंतजार करता रहा कि कोई आएगा और 2G के घोटाले में कोई सबूत पेश करेगा, और सारे जितने भी अक्यूज थे, सो कॉल्ड अक्यूज कहूंगा मैं,
जो फ्रेम किए कितना झूठ बोला गया था, उन सबको बरी करने का काम किया ऑनरेबल कोर्ट ने। मैं इसके साथ एक और चीज जोड़ता हूं, इनके समय में जनाब सीएजी रहे हुए थे, सीएजी रहे हुए विनोद राय ने, विनोद जी हमारे कांग्रेस के नेता संजय निरुपम से माफी मांगी कि मैंने ये झूठ बोला कि संजय निरुपम ने मुझे आकर कहा था कि प्रधानमंत्री का कॉलेज स्कैम में आपने उनका नाम नहीं लेना है, और बाकायदा उन्होंने कोर्ट में उनके साथ माफी मांगी। तो इनका ये काम है झूठ बोलना और बार बार बोलना, और तब तक झूठ बोलना जब तक वो झूठ सच साबित ना हो जाए। जहां तक घोटालों की ये बात करते हैं, अभी आज की खबर है कि गुजरात सरकार की कंपनियों से 7,000 टन कोयला निकलता है और 6,000 करोड़ का जो कोयला होता है वो बीचों बीच सड़क रास्ते में गायब हो जाता है। इनके जो ऋषि अग्रवाल साहब इनके ऋषि अग्रवाल साहब जो बड़े करीबी थे प्रधानमंत्री जी के, जिनको प्रधानमंत्री जी अपने साथ जिस तरह से वो नीरव मोदी को साथ लेकर जाते थे, मेहुल चौकसी को भाई कहते थे, जिन्होंने 1,000 करोड़ रुपए के घोटाले कर दिए, देश को लूटने का काम किया, वो प्रधानमंत्री के साथ बैठे होते हैं, वो दावोस में प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर खिंचा रहे होते हैं, और आते और वहां से भाग जाते हैं। आज जिस आदमी के खिलाफ लुकआउट नोटिस था वो देश छोड़कर भाग जाता है। तो ये हमें उसमें ये करप्शन की बात ना करें, और किस करप्शन की बात करते हैं, सबसे बड़ा करप्शन का उदाहरण है जम्मू कश्मीर। इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हुए विक्रम निर्मावा कहते हैं कि जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और करप्शन का सारा पैसा पीएमओ में बैठे हुए मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जेब तक जाता है, और एक सीट निकलती है मेडिकल की, एक सीट निकलती है और भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम की बेटी को लगा देता है, बॉर्डर बटालियन के बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, सीएसएफ के बच्चों को मारा जाता है। ये लोग क्या करते हैं, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा हुआ जम्मू कश्मीर को इन्होंने, लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए ये तो खैर इनके हवा की बातें, वो भी अच्छी वाली जानते हैं किसको क्या जाता है और किसको क्या नहीं, क्योंकि इनका सुन लीजिए, मैं आपके पीछे नहीं बोलता हूं, मुझे बस यही चीज आपकी पसंद नहीं आती है। मैं कुछ अगर मैं इत्मीनान से सुन रहा हूं, आप भी सुनो आराम से, क्यों आपको क्या लगता है कोई आपका नया और मैं और भी खानसमा पेश कर दूंगा, वो मैं बिल्कुल अब आपने बाकी उनको बार बार बंगारू जी याद आ जाते हैं। इनके एक सुरेश कलमाड़ी जी थे, वो चेयरमैन थे इनके ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन थे, अब आपके साथ बोलिए वो भी गलत था। कॉमनवेल्थ के अंदर स्कैम देखिए कितना करते हैं, 90 करोड़ के टेंडर को 141 करोड़ में परोसा जाता है कॉमनवेल्थ के अंदर, 141 करोड़ में। मैं कब का, आज से 20 साल पुरानी बात कर रहा हूं, 15-20 साल, उस समय कितनी वैल्यू होगी उसकी, खुद परोसते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मैंने इन्हीं के इटली की महारानी को और बाकियों को परोसे सारे के सारे पैसे, इसलिए यहीं के यहीं बंद कर दो। बच्चों की गेंदे, बच्चों के फुटबॉल, बच्चों की हॉकियां, बच्चों की बाकी सब चीजें भी बेच दे डाली इन्होंने, यहां तक के बत मैं कहता हूं बाकी बड़ों के साथ तो स्कैम किए, बच्चों के साथ भी स्कैम करने वाली पार्टी इनके चेयरमैन का, जरा सुरेश कलमाड़ी का भी जरा गूगल करके डाटा निकाल लीजिए, फिर कहेंगे व्हाट्सएप का डाटा है। तो इसीलिए मैं आपको गूगलू जी कहता हूं, बार बार गूगल करके आया करें, मेरे साथ तथ्यों के आधार पर ही बात करनी है, मेरे साथ सुन लीजिए ना भाई साहब, अभी और भी बड़ा कुछ है आपको आप इतने में ही अगर बैठ जाएंगे तो आगे कैसे चलेगा। आप एक चीज समझिए, अगर आप इतनी ही भली भांति आपकी सरकार थी, इतनी साफ सुथरी छवि की सरकार थी, तो 2014 में क्यों खदेड़ दिया लोगों ने आपको, चले हम 2014 में आए, 2014 में आए, फिर 2019 में फिर से क्यों आ गए, तो आप समझ लीजिए आपका 50-60 साल का रिपोर्ट कार्ड है, हमारा तो 10 साल जोगी जी, मुझे लगता है कि आपको भी अपनी सोच, पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली बड़ा जरूरी है ये आईबी को तब्दील करना, एलओसी को, ये मुझे लगता है कि नजरिया गलत है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा ये कहना है कि दोनों मुल्कों के बीच में अगर कोई बात हो और वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां भी इंसान रहते हैं, यहां भी इंसान रहते हैं, और जाने जो है वो जाया हो जाती है। आपको है? उनकी ज्यादा नहीं है, क्योंकि देखो एटम बम दोनों साइड है, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से, और जो अभी पिछला इतिहास जो नेहरू से लेकर अभी तक जो कहा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने भी कुछ सोच समझ के ही जो फैसले लिए। आज की डेट में अगर आप कंप्लीट करेंगे, जैसे जब आप अंदर के हालात अभी ठीक नहीं है, डबल फिगर में पीओके जी के और चेहरा की बात यहाँ पर आके करना और आपस में डिबेट करना, मुझे लगता है कि ये आज के युग में, आज के डेट में, बाकी भले ही अंदरूनी हालात अगर ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है कि पीओके और चेहरा की बात यहाँ पर आके करना मुझे नहीं लगता। एक मिनट में आप कंप्लीट कीजिए कि उन्होंने कहा कि अगर आपकी सरकार इतने अच्छे से परफॉर्म कर रही थी तो डिक्लाइन क्यों हुआ, दो फिगर में क्यों हुआ? आपने खुद ही कहा था, मैं जवाब दूंगा, लेकिन एक ही मिनट में। देखिए मैं सीधी बात करता हूं, एक मिनट में, जिस जनता ने हमें सत्ता से बाहर
कि यार 2014 में हमें चुनाव हराया है, 2019 में चुनाव हराया, उसी ने हमें 70 साल पावर भी दी। जनता के मैंडेट का सम्मान है जी। हम अपने काम के आधार पर लोगों के बीच आते हैं, ये लोगों को जज करना है कि हम काम अच्छा कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, उस पर जनता बिल्कुल अपना वर्डिक्ट देती है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, इन्होंने कलमाड़ी साहब के घोटाले गिना दिए जनाब। जनाब कारगिल के शहीदों का कफन घोटाला खा गया, शहीदों का भी कफन छोड़ा, इसलिए ये इनके इसलिए पाकिस्तान की बात करूंगा। समय नहीं साहिब जी, आप हमारे कार्यक्रम में, जोगी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अभिजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों बने रहिए आप देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।